गणपति और माँ गौरी जी का ध्यान करेंगे। हाथ में चावल थोड़ा सा जल लेकर के गणेश जी और माँ गौरी जी का ध्यान करेंगे। ओम मनो ज्योतिर्जुगदामाजस्य बृहस्पतिरयज्ञमिमन्तनोतरिष्टं यज्ञकं समिमन्दधातु विश्वे देवा संयमादयन्तामो प्रतिष्ठा एकवे प्रतिष्ठानाम यज्ञो यद्रेतेन यज्ञेन यजन्तेन सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति हरिः ओम गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो घृतसेभ्यो घृतपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति गच्छन् ससत्तश्वका सुभद्रिकां कांपीलवासिनीं ॐ श्रीमन्मागणाधिपतये नमः मागुर्यै नमः। संकल्प करेंगे तीन बार विष्णु 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 का उच्चारण करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु तस्य श्वेतवाराकल्पे वैवस्तव मंत्रेष्टाविंशति तमे कलियुगे तद्पदम चरणे श्यामल दीपे कनाडा देशे हैमिल्टन नामस्य नगरे हिंदू मंदिर सानिध्ये मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे हे कृष्ण पक्षे हे अद्य चतुर्थयाम शुभनिधितो हो शुभवारवासरे हे भोमवारवासरे राशिस्तरे सूर्य राशिस्तरे चंद्र राशिस्तरे सुसस्सो ग्रह गुण विशेषण विशिष्टाया गोत्रो उत्पन्नाहम् अपना अपना गोत्र लेंगे। नामोहम् अपने पति का नाम लेंगे फिर अपना नाम लेंगे। अद्य अस्मिन् दिने हे करवाचौथ व्रत समय हे श्री गणपति देवतानां प्रसन्नार्थं च गौरी देवी प्रसन्नार्थं च आखंड सौभाग्य प्राप्ति करणार्थं च गणपति गौरी पूजन अहम् करिष्ये तथा च कथा श्रवणम अहम करिष्ये। छोड़ देंगे और कथा को श्रवण करेंगे। तो करवा चौथ की जो कथा है ये वामन पुराण और नारद पुराण में से ली गई है। एक बार की बात है जब पांडवों को वनवास हुआ, 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ, तब अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना इस वनवास का फायदा उठाया जाए, तब किया जाए और अस्त्रों शस्त्रों को प्राप्त किया जाए। अर्जुन तब के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा समय बीता तब द्रौपदी जी को लगा कि मेरे पति के लिए मैं क्या कर सकती हूं, क्योंकि पत्नी पति की सहायता में हमेशा ही अग्रसर रहती है। द्रौपदी जी ने सोचा और भगवान कृष्ण जी की आराधना की। भगवान कृष्ण क्योंकि द्रौपदी को अपनी बहन मानते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं और द्रौपदी जी को इस व्रत के बारे में बताते हैं। आइए सर्वप्रथम ताली को उठाएंगे और मानसिक रूप से घुमाएंगे। ले वीरो कूड़ी करवड़ा ले करवड़ा बटाइले ले चन्ना छोड़ी पहले सुते आज गाई ना रुटे आ मनाई ना पैर फेर पाई ना
टेरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना ले करबड़ा ले करबड़ा बटाइले ले बंजा चोली पहले ले करबड़ा ले करबड़ा ले सर्व सुहागन करबड़ा रख लेंगे। तब भगवान कृष्ण जी द्रौपदी जी को सुनाते हैं कि ये कथा किस प्रकार भगवान शिव ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। शिव पार्वती संवाद भगवान कृष्ण द्रौपदी जी को सुनाते हैं कि एक गांव था जहां पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी निवास करते थे। प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि उनके 7 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। 7 पुत्र ऐसे हुए जो कि अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। पुत्री का नाम था मीरा। समय बीता, 7 बालक बड़े हुए, सबकी शादी भी हुई, बहन की भी शादी हुई। शादी के बाद इस कर्क चतुर्थी को, जो कि सौभाग्य को देने वाली है, ऐसा व्रत रखा। एक बार फिर से थाली उठाएंगे और इससे आगे की कथा सुनेंगे। निम कर बड़ा बटामांगी, निम कर बड़ा बटामांगी, अपने माये दी निमे सुखड़ा मना मांगी, अपने माये दी मैं सुखड़ा मना मांगी। बदला विच चन चढ़िया, बदला विच चन चढ़िया, मेरा सोना चन मैया मेरा प्यार नाल हाथ खड़िया, मेरे सोने चन मैया मेरा प्यार नाल हाथ खड़िया। तो ला देंगे जब बीरा ने व्रत रखा पूरा दिन व्रत से, भूख प्यास, क्योंकि इसमें जल भी नहीं पीते, बहन को भूख प्यास से पहली बार उन्होंने व्याकुल देखा। पूरा दिन भूखे रहने से शाम को बहन का मुख थोड़ा मायूस सा देखा तो भाइयों को लगा हमें अपनी बहन की सहायता करनी चाहिए। व्रत का नियम है जब तक चंद्रमा नहीं निकला तब तक कुछ खा नहीं सकते, और चंद्रमा करवा चौथ को हमेशा ही थोड़ा लेट निकलता है, तो हमारी बहन इतनी देर भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए बहन की सहायता के उद्देश्य से भाइयों ने सोचा कि हम अपनी बहन की सहायता करें, थाली उठाएंगे और मानसिक प्रदक्षिणा घुमा लेंगे। ओ ले वीरा कुड़ी करबड़ा ले करबड़ा बढ़ैले ले बंजा चोली पहले, हो सुते आज गाईना रुटे अमनाईना, बाण फेर पाईना ततिया डेरीना, घूम चरकड़ा फेरीना ले करबड़ा ले करबड़ा ले सर्व सुहागण करबड़ा ले करबड़ा बटाइले, हो चुन्ना चोली पाइले ले करबड़ा ले करबड़ा, हो सर्व सुहागण करबड़ा। भाइयों ने बहन की सहायता के लिए क्या किया, वन में गए और एक बट वृक्ष, एक लंबा डंडा लिया, बांस का लंबा डंडा लेकर के उसके ऊपर कुछ कपड़ा बांध करके आग लगा दी और घर से थोड़ी दूर पर एक बट वृक्ष
जो कि बहुत ऊंचा होता है, उस पर चढ़ करके उस डंडे से बहन को दिखाया कि बहन चंद्रमा निकल आए हैं, तू अर्घ दे ले। बहन ने भी देखा तो बहन प्रसन्न हुई और अपनी भाभियों से कहा, भाभी आप भी चलिए, हम सब चंद्रमा जी को अर्घ दे करके अपना व्रत खोलती हैं। लेकिन भाभियों ने कहा कि हे वीरो, ये तेरा चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा भी निकलना बाकी है। वीरा नादान थी, समझ नहीं पाई, अर्घ देती है और अपना व्रत खोल लेती है। थाली उठाएंगे, ले वीरो पूरी कर बड़ा, ले कर बड़ा बढ़ले, ले जन्ना जोड़ी पाइले, हो सुते आज दामीना, रुटे आमना मीना, बाण पैर पावीना, तते आ टेरी ना, घूम चरकड़ा फेरी ना, ले कर बड़ा ले कर बड़ा, ले सर्व सुहागण कर बड़ा, ले कर बड़ा बटाई ले, ले जन्ना चोड़ी पाई ले, ओ सुते आ जगा मीना, रुटे आमना मीना, बाण पैर पावीना, तते आ टेरी ना, उम चरकड़ा फेरी ना, ले कर बड़ा ले कर बड़ा, ले सर्व सुहागण कर बड़ा। जैसे ही वीरा व्रत खोल देती है, व्रत खोलते ही उसके पति के शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ जाती है। वीरों को संदेश आता है कि आपके पति बीमार हो गए हैं, उनके शरीर में सुइयां चुभ गई हैं। वीरा को लगा कि मैंने तो माँ पार्वती से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखा था, लेकिन ये क्या हो गया। वीरा जल्दी ही अपने पति के पास जाती हैं और उनके शरीर से सुइयां निकालनी शुरू कर देती है। सुइयां निकालते निकालते पूरा एक वर्ष बीत जाता है। एक वर्ष के बाद फिर से करवा चौथ व्रत आता है। थाली उठाएंगे, फिर से घुमा लेंगे। ले वीरा कूड़ी करवड़ाल करवड़ा बटाइले, ले मुन्ना जोड़ी पहले, ओ सुते आ जगावीना, रुटे आ मनावीना, बाण पैर पावीना, तते आ ढेरीना, उम चरकड़ा फेरीना, ले करवड़ा ले करवड़ा बटाइले, ले करवड़ा ले करवड़ा, ले सर्व सुहागण करवड़ा। समय बीता, व्रत पुनः आता है। इस बार वीरा बड़े ही ध्यान से व्रत रखती है और माँ गौरी से बार बार प्रार्थना करती है, हे माँ गौरी, मेरी श्रद्धा और भावना को देखते हुए आप मेरे पति देव को स्वस्थ करें। इस भावना से वीरा ने व्रत रखा। जब व्रत पूर्ण हुआ तो भगवान की कृपा से गौरी के पति, वीरा के पति एकदम से खड़े हो गए तो क्या देखा कि सामने दासी खड़ी हुई थी। दासी को देखकर उसी को अपनी पत्नी समझ लिया। जब वीरा वहां पहुंची तो क्या देखा कि मेरे पति उठ तो गए हैं लेकिन दासी को ही अपनी पत्नी समझ रहे। अब वीरा एकांत में एक ही बात बार बार कहती थी, जो रानी थी वो दासी हुई, जो दासी थी वो रानी हुई। पर राजा के सामने ऐसा बोलने से राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समय बीतता गया। एक दिन राजा विदेश भ्रमण के लिए जा रहे थे तो जो दासी पत्नी के रूप में थी उससे कहा कि तुम क्या चाहती हो। तो उस पत्नी ने कहा कि आप मेरे लिए गहने ले आना, इत्यादि इत्यादि बहुत सा सामान मंगाया। राजा ने सोचा दासी से भी पूछ ले क्योंकि ये मेरी बहुत सेवा करती है। दासी से पूछा, दासी कहती है कि आप मेरे लिए एक गुड़िया ले आना। राजा वापिस आते हैं, उस गुड़ दासी जो कि वीरा थी
उसको गुड़िया दे देते हैं और उस गुड़िया से ही वीरा बातें करती है। वीरा कहती है कि जो रानी थी वो दासी हुई, जो दासी थी वो रानी हुई। एक दिन ऐसे ही बात कर रही थी तो राजा ने सुना, राजा को सुधी आई, भगवान की कृपा हुई, माँ गौरी की कृपा हुई, राजा को सब कुछ याद आ गया कि यही मेरी पत्नी है। उसी समय वीरा को गले से लगाया और वीरा कहने लगी, जो दासी थी वो दासी हुई, जो रानी थी वो रानी हुई। माँ गौरी के इस व्रत को करने से स्त्रियां सौभाग्यवान होती हैं। इस व्रत को करने मात्र से माँ गौरी और गणपति जी अपना शुभ आशीर्वाद दाम्पत्य जीवन पर डालते हैं। इसी कामना को मन में धारण करते हुए अपनी थाली उठाएंगे और परिक्रमा करेंगे। निम कर बड़ा बटा मांगे, निम कर बड़ा बटा मांगे, अपने मैं दी निम सुखना मना मांगे, अपने मैं दी निम सुखना मना मांगे, कोठे ते जावांगे, कोठे ते जावांगे, अर्ग चढ़ा के अपना सोने चंदन ले जावांगे, अर्ग चढ़ा के अपना सोने चंदन ले जावांगे। बोले गणपति महाराज की जय, माता गौरी की जय। सभी बोलेंगे साथ में, श्री गणेशाय नमः, श्री गौरी नमः, श्री शिवाय नमः। बोलेंगे देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमं सुख रूपं, देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। हाथ में जल लेकर के छुरी लेंगे, तीन बार घुमाएंगे। चंद्रमा मनसो जायचो सूजो जायत श्रोत्रायु चंद्राण च मुखा दग्निर जायत। छोड़ देंगे, तीन बार बोलेंगे, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। थोड़ा सा जल लेकर के अपने सामने थोड़ा छोड़ करके माथे को लगा लेंगे। ओम शक्राय नमः। अपनी अपनी ज्योत आगे रख देंगे माँ दुर्गा जी के आगे और अपना सामान जो भी है सामने रख देंगे। और आज चंद्रमा जी आपको जल्दी दर्शन देंगे 7 बजे, तो सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वहां पे रखिएगा और समाज एक एक करके आइएगा, और जो यहाँ पे डालना है डाल दीजिए।